हुकूमत दिल्ली आए दिन इन्हीं और अदबी महफिलों से आरास्ता रहती है, लेकिन जब प्रोग्राम हो अदबी इजलास का तो उसकी फिजा नित नए अदबी फनकारों से मजीद खुशगवार हो जाती है। इसी कड़ी में गुज़श्ता दिनों कौमी काउंसिल बनाए फरोगे उर्दू जबान के इश्तराक से जदीद उर्दू शायर अल्लामा सैयद क़ल्बे अहमद मानी जायसी की अदबी खिदमात पर एक रोजा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उनके शेरी मजमूए इंतखाबे कलाम मानी जायसी का भी रस्म इजरा किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। जिंदगी है तो फिर आजादा है दस्त जुनून, अब तो मकसद की तरफ दिल लिए जाता है मुझे। बस्ती हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के कारी का कहती है गुज़श्ता दिनों सैयद क़ल्बे अहमद मानी जायसी की अदबी खिदमात पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। अल्लामा मानी जायसी की शख्सियत मुमताज तारीफ़ थी। आपका भी नाम चुनिंदा उस्ताद शोरा में आता है। अल्लामा मानी जायसी एक अच्छे शायर थे और मुख्तलिफ उलूम पर उनको दस्तरस हासिल थी। मानी जायसी के खास शागिर्द वकार मानी ने उनके शेरी मजमूए बशक्ल इंतखाबे कलाम मानी जायसी मुरत्तब करके एक सच्चे जानशीन होने का हक अदा किया है। और मैं उनका नाम दोहरा डराता हूँ, मान देता हूँ अपने आप को, और दुनिया इस नाम से विश्वास जानती है कि मान साहब का क्या नसीब है। खुदा का शुक्र है, मैं इस पर फख्र करता हूँ। तो मान साहब का कलाम गद्दा करने का सबब यह था, अभी तक उनका उनके इंतकाल के बाद कोई मजमूआ कलाम मिलता नहीं छापा था, तो मैंने ये इंतखाब की कोशिश की है कि इंतखाब चल गया, कम अज कम लोगों को मालूम तो होगा कि मान साहब क्या थे, इसलिए कलाम की है। आइंदा भी कोशिश करूंगा कि दुनिया की तकनीक का हो इंशाल्लाह। खुदा के लिए मेरी तसली वो है, के लिए मेरी तसली वो है, के लिए दुनिया रख सुनी है अकेले ही चला जा मानी, अब कहाँ काफ़िले अहले वफ़ा रखा है। मानी जायसी एक आलिम शायर थे और मुख्तलिफ उलूम पर उनको दस्तरस हासिल थी। इब्तिदा से ही उनका रुझान फ़ुनून लतीफ़ा की तरफ था, किताबत और खत्ताती से गहरी दिलचस्पी थी। अय्याम तिफ़ली से ही उनको अशार की मौजूदियत व गैर मौजूदियत का अंदाजा हो जाता था। उर्दू जबान में आपकी शायरी जिंदा शायरी है। सेमिनार में मकाला निगारों ने अल्लामा मानी जायसी की हयात व खिदमात के हवाले से तफसील खाका पेश किया और उनकी हमा जिहाद सलाहियतों को उजागर किया। अल्लामा मानी जायसी का एक इम्तियाजी वस्फ ये भी था कि वो खुददार बहुत थे। क़ल्बे अहमद मानी जायसी साहब बहुत खुददार शायर थे और यही वजह है कि इतने बड़े शायर होने के बाद भी उनका जो जो मुस्तवा उनको हासिल होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो सबसे बड़ी इसकी वजह है कि खुददार बहुत थे। अल्लामा मानी जायसी के हवाले से उर्दू से गुफ्तगू की।
उर्दू के नसरी और शेरी अदब में 20वीं सदी इंतहाई जरखेज रही। इस सदी में गजल ने हुस्न की जमालियात से निकल गए नए पैरहन से तंग किए और गजल जदीद अहद में दाखिल हुई। इस वक्त के नुमाइंदा शोरा में शायर अजीम आबादी अजीज लखनवी के साथ साथ नए असलूब में ढलने वाले फानी बदायूनी जिगर मुरादाबादी और हसरत मोहानी है जिन्होंने गजल को नई जहतों से आशना किया। गजल के किसी जदीद दौर से वाबस्ता मानी जायसी है जिनको उर्दू अदब की तारीख में वो मकाम हासिल ना हो सका जिसके वो मुस्तहक थे। मानी जायसी हमारी शायरी की ऐसी बड़ी शख्सियत है क्योंकि जोश के उस्ताद है। आपने सुना होगा जोश उनको वजीफे के लिए जवाहरलाल नेहरू के पास लेके गए और उनसे कहा कि मेरे उस्ताद है तो उन्हें ताज्जुब हुआ कि आपके भी उस्ताद है। और जोश ने जगह जगह उनके अजमत साहब उनके हिमायत का एतराफ किया है। मैंने अपनी तकरीबन तवील गुफ्तगू में ये कहा कि उन्होंने बहुत सी नई तरह की वजह की है और उनकी शायरी जो अदीब शुरा है और जदीद शुरा उसके दरमियान की एक कड़ी है जो बिल्कुल बीच से गायब हुई थी आज उसको याद किया गया है। लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि मानी शनासी में बहुत अच्छा कदम है और मानी जायसी को दोबारा से जिंदा किया जाएगा दोबारा से हमारे नए नस्ल में समझेंगी और पढ़ेंगे। जदीद शायरों में बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने चराग से चराग जलाने का काम किया है और मानी जायसी भी ऐसे शोरा में से हैं जो आला तालीम के अदम हुसूल के बावजूद जबरदस्त इल्मी इस्तेदाद के हामिल थे। उनकी शेरी निगाह शाद में नकुश मानी निगाह शादे मानी वगैरह काबिल जिक्र हैं। अलामा करवे अहमद मानी जायसी उन असातिज़ा में से हैं जिनके कई नामवर शागिर्द ऐसे हैं जो फने शेर व शायरी में कमाल रखते हैं। आज भी उर्दू दुनिया उन्हें खराज अकीदत पेश करती है। नई दिल्ली से तौफीक गज़वी की रिपोर्ट।